हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिकलानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहला ये, दूसरा ये डिसेंट्रलाइजेशन का। इस वीडियो में, इस पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, पहले कि डेलीगेशन का मतलब क्या है, डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक, डेलीगेशन की प्रोसेस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक हमको कवर करने हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। सिंपल सी बात, हिंदी में बोलते हैं हम इसको भार अर्पण, मतलब अपना भार दूसरों को भी सौंप देना, खुद भी काम वो करना, खुद के पास भी रखना, पर ज्यादा जो भार है ना आपके पास वो औरों को सौंप देना। सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि वो सारा का सारा काम खुद कर ले, तो हम क्या करते हैं, अपने काम को औरों को सौंपना शुरू करते हैं। पर काम को किसी को सौंपना ही काफी नहीं होता है, हमको सामने वाले को उस काम को करने की अथॉरिटी भी देनी होती है। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रियलिटी में क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आपने काम को बांटा, सामने वाले को काम मतलब सौंपा है आपने, उसके बाद आपने उस काम को पूरा करने की सामने वाले को अथॉरिटी भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को काम सौंपा, कौन सा काम दिया उसको कि तेरे को खरीदना है, और उस काम को पूरा करने की हमको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। परचेज मैनेजर को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि तेरे को अगर रॉ मटेरियल खरीदना, खरीद, तेरे को कितना पैसा चाहिए वो भी तू यूज कर सकता है, तू ये रिसोर्सेज भी यूज कर सकता है। तो मैंने उसको अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी देने से वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सामने वाले को काम दिया, पर उस काम को करने का मुझे उसको अथॉरिटी भी देनी होगी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम पहले, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे तीन एलिमेंट्स हमको स्टडी करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है उत्तरदायित्व। जैसे ही हमने किसी को काम सौंपा, सामने वाले बंदे की अब यह ड्यूटी बन जाती है कि उसको जो ऑर्डर मिला है उसी के अकॉर्डिंग, एज पर उसको वो काम करना है, ये उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज ए ऑब्लिगेशन, मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबोर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। मतलब जिस भी पर्सन को, जिस सबोर्डिनेट को हम काम देते हैं, तो वो उसकी अब एक कमिटमेंट बन जाती है कि वो काम को उसी तरीके से पूरा करेगा जैसे हमने उसको काम करने के लिए कहा गया है। मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबोर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म, मतलब काम को प्रॉपरली तरीके से करेगा। असाइंड ड्यूटी, हमने उसको जो भी ड्यूटी असाइन की है वो उसको उसी तरह से निभाने वाला, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। अब बात आती है अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डिसाइड। हमने किसी को काम सौंपा, मान लो काम पूरा नहीं होगा, अभी हमको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, डिसाइड करने की पावर भी देनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करेगा वो, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, मैं पैसे का यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना है और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें किसी भी मैनेजरियल पोस्ट की बात करूं, मैनेजमेंट के अंदर अगर मैनेजमेंट वाली पोस्ट है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं उसको मैनेजरियल पोस्ट, प्रबंधकीय स्तर या कह लीजिए प्रबंध की जो पोस्ट है, वो सीट है, हम उसको कह ही नहीं सकते। मैनेजमेंट की वो पोस्ट अगर अथॉरिटी के बिना है तो वो मैनेजमेंट की पोस्ट हो ही नहीं सकती है। अथॉरिटी रियलिटी में क्या होती है, सामने वालों को काम को पूरा करने की पावर देना। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जनरल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को क्या बोला, खरीद ले, पर क्या खरीदेगा वो जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए खरीदने की, पैसे को यूज करने की पावर होनी चाहिए, बाजार में जाने की पावर होनी चाहिए। पता चला कि काम के वक्त मार्केट में चला गया, फिर ऊपर से जनरल मैनेजर गए कि तू क्यों गया, मतलब हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी है। उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस काम को पूरा करने की। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। जवाबदेही क्या होता है, जब हमने किसी को काम सौंपा, उसको अथॉरिटी भी दे दी काम को पूरा करने की, अब उसकी जवाबदेही बनती है कि वो जवाब देगा कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। जवाब किसको देगा, जिसने उसको काम सौंपा। बॉस ने काम दिया था, अभी सबोर्डिनेट से या वर्कर से मान लो काम पूरा नहीं होता, तो वर्कर अपने बॉस के लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबिलिटी ऑफ द सबोर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस।
अपने काम की परफॉर्मेंस के लिए हमको जवाब देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? जो पर्सन हमको काम सौंपता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, अथॉरिटी, अधिकार देना काम को पूरा करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, उस काम को होने या ना होने के लिए हमको जवाब देना है। किसको देना है? अपने बॉस को जवाब देना है। तो जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जब भी हम भारों का अर्पण करते हैं, अपना काम जब हम और किसी को सौंपते हैं, तो ये तीन चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। पहली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा। हम उसको अधिकार देते हैं, काम पूरा होगा या नहीं होगा उसको जवाब भी देना पड़ता है अपने बॉस को। अब बात आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली बात है, हम जब भी किसी काम को डिवाइड करते हैं तो काम के डिवीजन से ही बात शुरू होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। क्योंकि जब हम किसी काम को बांटना शुरू करते हैं तो उसी के बाद हमारी कहानी शुरू होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट स्टेप क्या है? काम को बांटना। जब हम काम को बांटना स्टार्ट करते हैं, ले भाई तेरा काम परचेज का है, तेरा काम सेल का है, तेरा काम फाइनेंस का है, तेरा काम मार्केटिंग संभालने का है, तो मैंने उसको काम को बांट दिया। काम को बांट तो दिया, तो काम को बांटने के बाद क्या, मुझे उसको अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी। अथॉरिटी देनी पड़ेगी तो अथॉरिटी के साथ साथ वो बंदा क्या हो जाएगा, भी जवाबदेही भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। तो काम को बांटना हमारा बेसिक स्टेप होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अब बात आती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस रियलिटी में हमने समझ लिया यहीं पर ही। प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उत्तरदायित्व सौंपना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना कि तेरा ये काम होगा, तेरा ये काम होगा, तूने ये काम करना है, तूने वो काम करना है। जिसको भी जो काम दिया है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। परचेज डिपार्टमेंट को मैंने काम दिया परचेज करने का, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ परचेज करने का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परचेज का ध्यान अब उसने रखना है। आगे आती है ग्रांटिंग अथॉरिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो काम ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ये काम तेरे को पूरा करना है, और जबकि मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी उस काम को पूरा करने की, तो डेफिनेटली आप उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। मान लो मैं आपको कहूं कि एक कार खरीद लो, डेफिनेटली आपको एक कार खरीदनी है, कार को खरीदना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं आपको पैसे खर्च करने की अगर पावर नहीं देता, अथॉरिटी नहीं देता कि आप कार खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को हमने अधिकार भी दिया है। अभी जनरल मैनेजर ने परचेज वाले डिपार्टमेंट को बोला परचेज करने के लिए, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अभी परचेज मैनेजर को हम अथॉरिटी देंगे पैसे के यूज करने की, रिसोर्सेज यूज करने की, रॉ मटेरियल खरीदने की, कच्चा माल खरीदना है, बना बनाया माल खरीदना है, वो उसकी अभी मर्जी है कि कैसे पूरा करना है। तो हम उसको अथॉरिटी भी दे देते हैं, अधिकार भी दे देते हैं कि तेरे को अपना काम पूरा कर लियो भाई। उसके बाद होता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम बताया उसको, अथॉरिटी भी दे दी, अधिकार भी दे दिए। अधिकार दे दिए तो अभी क्या पैदा हो गई? अपने आप जवाबदेही पैदा हो गई। काम पूरा होगा कि नहीं होगा, काम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, उसको जिसको मैंने काम सौंपा उसको अभी जवाब देना पड़ेगा। किसको? अपने बॉस को। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अपने आप पैदा हो जाती है। कब पैदा हो जाती है? जब हम सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तब जवाबदेही अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस के बाद अब देखते हैं कि इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, नीड क्या है। पहली बात, रिडक्शन इन द वर्कलोड। काम ज्यादा है, काम को डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। काम को डिवाइड नहीं करोगे तो फिर आप पजल रहोगे कि ये काम करना था, वो काम करना था, काम हो नहीं पाएगा, वो सारा ब्रेन खत्म सा ही हो जाएगा। तो आपको अपने को क्या करना है? रिडक्शन इन वर्कलोड, काम को, वर्कलोड को कम करना है हमको। वर्कलोड को कम कब करोगे? जब आप काम को डिवाइड कर दोगे। जब काम को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट हो जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो काम का अगर वर्कलोड आपको कम करना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, डेफिनेटली काम बट गया, हर किसी को अपना अपना काम मिल गया। पहले इतना सारा काम आपके पास खुद के पास था, खरीदना भी है, परचेज भी करना है, पैसा भी यूज करना है, मार्केटिंग भी करनी है, सेल भी करनी है। अब आपने काम बांट दिया सबको, सेल का काम और किसी के पास, परचेज का काम और किसी के पास, मार्केटिंग का काम और किसी के पास। तो अभी क्या होगा? हर कोई क्विक डिसीजन ले पाएगा और डिसीजन बेटर भी होंगे। डिसीजन बेटर क्यों होंगे? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को पता है भी सेल को कैसे अच्छे से अच्छे बढ़ाना है। हो सकता है कि ये बात आपको अकेले को ना पता हो। एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट को पता है कि एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से कैसे करना है, तो वो डिसीजन जो होते हैं बेटर होते हैं। तीसरी बात,
डेवलपमेंट ऑफ द सबोर्डिनेट। जब हम सबोर्डिनेट को अधिकार दे देते हैं, जब हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास होना स्टार्ट होता है, क्रिएटिविटी आती है, काम को नए नए तरीके से करते हैं। एड टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने का हमारा एक तरीका हमको मिल जाता है। जब हम काम बांटते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, डिसीजन क्विक होने वाले हैं, प्रॉफिट हमारे बढ़ने वाले हैं, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या है, जब आपने काम बांट दिया तो सारे डिपार्टमेंट आपस में सहयोग लेकर कोऑर्डिनेशन होकर काम कर पाएंगे, तो ये बेस है कोऑर्डिनेशन का। कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा काम एक साथ चलता रहता है, बिजनेस काफी लंबे समय तक तो भी चलता है, बिजनेस को आप ऑर्गेनाइजेशन को काफी लंबे समय तक तो कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही बात आती है हाई मोरल ऑफ द सबोर्डिनेट्स, उनकी जो नैतिकता जो होती है ना सबोर्डिनेट्स की, अधीनस्थों की, वो काफी इंक्रीज हो जाती है, उनकी नैतिकता बढ़ती है, उनके पास पावर आती है काम को सोचने की, समझने की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो ये हमारी हुई इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है कि कैन अकाउंटेबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, क्या हम जवाबदेही को किसी और को सौंप सकते हैं? नहीं, मैंने जिसको काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको अथॉरिटी भी दी, काम के अधिकार भी दिए, तो जवाब भी उसी का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को पावर दी, बी ने सी को भी पावर दी और डी को भी पावर दी। अभी सी मान लो काम नहीं करता, सी मान लो काम नहीं करता, सी किसको जवाब देगा? बी को जवाब देगा। काम पूरा नहीं हुआ, ए अब किससे पूछेगा? बी से पूछेगा। अब बी ये नहीं कह सकता कि सी ने काम नहीं किया था, ए को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ए किससे जवाब मांगने वाला है? बी से मांगने वाला है, क्योंकि ए कहेगा बी को कि मैंने तेरे को काम दिया था, अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कि तेरे को अपना काम पूरा करवाना चाहिए था कहीं से भी और कैसे भी। तो ए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टली बी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सी, क्योंकि सी को किसको जवाब देना है? सी सिर्फ बी के लिए अकाउंटेबिलिटी है, ना कि ए के लिए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जिसकी जो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जिसको काम दिया था उसी के लिए भी जवाब उसी को ही देना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे जैसे आगे बांटते हो, काम किसी को बांटते हो, उसको अथॉरिटी भी देते हो, तो वो बंदा भी अपना अगर काम किसी को अगर देता है तो अथॉरिटी भी देता है, तो वो डेलीगेट कर सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं हम विकेंद्रीयकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का एक अपोजिट वर्ड भी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। आप एक बार सेंट्रलाइजेशन को समझ जाइए, डिसेंट्रलाइजेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है काम को, अधिकारों को अपने पास रोक के रखना। सामने वाले को आपने बस काम बता दिया कि तूने ये काम करना है, पर सारे अधिकारों को हम अपने पास रोक के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने काम तो बता दिया कि तुमको ये काम करने हैं, पर सामने वालों को अधिकार नहीं बांटे, डिसीजन लेने की पावर नहीं दी है, बट काम बता दिया कि तुमने ये काम करना है, दैट्स इट, बात खत्म। सेंट्रलाइजेशन के अंदर मतलब क्या होता है? आप सारे अधिकारों को अपने पास रोक के रखते हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट हो गया। जब आप किसी को काम दोगे तो काम के साथ साथ उस काम को पूरा करने के लिए आप उसको अधिकार भी दे देते हो, अथॉरिटीज भी बांट देते हो। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने काम किसको सौंपा? प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर ने भी काम आगे डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। इन डिपार्टमेंट्स ने भी आगे मान लो काम बांट दिया, तो दिस इज ए डिसेंट्रलाइजेशन। काम आगे बढ़ता जा रहा है, आप अथॉरिटीज भी बांटते जा रहे हो, अधिकार भी आगे देते जा रहे हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में है क्या? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो मैंने आपको अभी भी बताया और पीछे वाली वीडियो में बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, काम हम डिवाइड करते हैं, देन उस काम को पूरा करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी देने के बाद उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाता है, उस पर्सन को जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर ये होता है। अभी हम क्या बात करते हैं, कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ये क्या है? ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे है, इसको एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने जब कुछ काम सौंपा प्रोडक्शन मैनेजर को और जब उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी, अगर ये चीज सिर्फ यहीं तक रही, इसको हम बोलेंगे डी
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम आगे सौंप देता है, अधिकार भी दे देता है, अथॉरिटी भी दे देता है, इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अधिकार अथॉरिटी डबल होती है। जबकि आप जब आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, नीचे लगे हुए लोगों को, नीचे काम करने वाले लोगों को जब आगे भी आप काम बांट देते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब चीफ मैनेजर ने अपना काम इसको बताया, अथॉरिटी भी दी, तो यहां तक की तो बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर आगे अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स में भी काम बांट देता है, उसको भी काम करने की अथॉरिटी दे देता है, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में क्या हुआ, इट इज एन एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर तो ये है, पहला फीचर तो वही है, एक्सपेंशन फॉर्म है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। दूसरी बात, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज होता है, सबऑर्डिनेट्स के रोल में इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 15 लोग, यहाँ पे 20 लोग। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, अब इस डिपार्टमेंट के अंडर में भी ये लोग लगे हुए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, काम करने की पावर बढ़ जाती है, काम सिंपल तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्विक डिसीजन ले जाएंगे, उन सब की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, लोग हमारी फर्म में काम कर रहे होते हैं, हम उनको अधिकार ही नहीं देते काम करने के, तो उन लोगों को लगता है कि मैं तो सिर्फ बस काम करने के लिए आता चला जाता हूं, मैं तो बस एक कठपुतली की तरह हूं। तो अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो हम लोगों को काम करने की, काम को पूरा करने की पावर भी देते हैं, तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनका रोल बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, वो आगे आके काम करते हैं, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तीसरी बात, वर्कलोड कम हो जाता है। चीफ मैनेजर के पास काम बहुत सारा था, इसने मान लो 70% काम किसको दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर भी काम आगे किसको बांट देगा, आगे बांट देगा, तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो काम को आगे आगे डिवाइड करते जाते हैं, और काम को पूरा करने के आगे उनको अधिकार भी देते हैं, अथॉरिटीज भी देते जाते हैं। चौथी बात, डिसीजंस बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। जब हम किसी भी पर्सन को डिसीजन लेने की पावर देते हैं ना, तो हर उस इंसान को लगता है कि जैसे मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का ही काम कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। पांचवी बात, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने क्या देखा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने ये देखा था कि जैसे भी आप सामने वाले को अथॉरिटी देते हो काम करने की, वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, जवाबदेही हो जाता है, उसको जवाब देना पड़ता है, किसको, बॉस को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जवाबदेही भी ट्रांसफर हो जाती है। इंपोर्टेंस की बात करते हैं, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब हम अधिकारों को दे देते हैं, अथॉरिटीज दे देते हैं, आगे उन लोगों को काम करने की पावर्स दे दी, तो क्या होगा, उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर आएगी, नए नए तरीके खोजते हैं काम करने के, नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी, उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता है, तो डेवलप होती है उनके अंदर इनिशिएटिव पावर, पहल क्षमता का विकास होता है, आगे आते हैं, नए नए सुझाव, नए नए सजेशन भी वो लोग देते हैं। रिलीव्स टॉप एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वर्कलोड का जो प्रेशर होता है, इससे भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो काम आगे सौंप देते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं। तीसरी बात, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है। पहले मैनेजमेंट मान लो यहाँ तक थी, काम आगे बांट दिया, ये डेफिनेटली ये लोग भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि हमने उनको काम करने की पावर दे दी है, डिसीजन लेने की पावर दे दी, तो मैनेजमेंट का देखा जाए तो विकास हो गया, मैनेजमेंट डेवलप हो गई है। मोरल, उनकी मनोबल शक्ति में, उनका ऐसा लगा लो जी कि उनकी मोटिवेशन बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमने उनको काम करने की ताकत दी है। फिर बात आती है क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब उन लोगों को हमने काम करने के लिए काम बांट ही दिया है, तो काम बहुत जल्दी होगा। पहले सारा काम किसने करना था, प्रोडक्शन मैनेजर ने, अब उसने काम आगे मान लो 20 लोगों में बांट दिया, तो 20 लोग तो जब मिलकर काम करके तो बहुत जल्दी होगा। पहले काम सारा इसने अकेले ने करना था, अभी 20 लोग जब काम कर रहे हैं तो काम पहले से अच्छा होगा। 20 लोग जब दिमाग लगाएंगे तो बेटर बेस्ट और बेस्ट टेक्निक भी लगाकर काम करेंगे, काम बहुत जल्दी होने वाला है। इफेक्टिव कंट्रोल करना बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि ये काम मैंने इसको दिया था, अब ये जवाब ये देगा,
प्रोडक्शन मैनेजर को काम इसने इसको दूसरा काम इसको दिया था तो उसको जवाब देना पड़ेगा। कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, अदरवाइज हम मान लो एक ही पर्सन को अगर सारे काम दे दें तो डेफिनेटली वो पजल रहने वाला है, गड़बड़िया बहुत होएगा, जवाब दे नहीं पाएगा, कंट्रोल भी हम नहीं कर पाएंगे, पैसा खर्च, टाइम वेस्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिलेशन होते हैं बहुत इंप्रूव होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर देखो इन लोगों से सीधा कॉन्टेक्ट में रहता है, इन लोगों की प्रॉब्लम ये समझता है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं, आर्थिक सुधार होता है, मन मुटाव दूर होता है और इन लोगों के रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं। अगली बात आती है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का क्या मतलब है, जैसे जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं हमारी मार्केट के अंदर एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर ऐसे ऐसे मान लो हमारे पास 10 हैं, तो हर शहर के अंदर मान लो ब्रांच मैनेजर है, हमने अपॉइंट किया हुआ है कि तुमने ये वाली ब्रांच संभाल ली है, तुमने राजस्थान की ब्रांच संभाल ली है, तुमने हरियाणा की संभाल ली है, तुमने दिल्ली का संभालना है, तुमने मध्य प्रदेश का ब्रांच संभालना है। तो जब मैंने उनको ब्रांच संभालने की पावर दिया तो डिसीजन लेने की पावर भी मैंने दी है, तो इससे हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड होता है क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम को वो अपने लेवल पे ही सोल्व कर लेते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस का बहुत एक्सपेंशन होता है, बिजनेस हमारा काफी लंबे समय तक चलता है और काफी दूर तक और बड़े लेवल पर भी हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेवलप मैनेजमेंट मैनेजरियल टैलेंट। जब वो लोग काम करते हैं तो मैनेजमेंट के टैलेंट के अंदर नए नए स्किल्स निकल कर आते हैं, नई नई टेक्निक निकल कर आती हैं जो फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन का। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं और इनका मीनिंग भी पहले जान लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, सिंपल सी बात, जब भी किसी के पास वर्कलोड ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, वो क्या करता है, काम को डिवाइड कर देता है। काम को डिवाइड करने के बाद उस काम को पूरे करने की उसको हम अथॉरिटी भी देते हैं, ये तेरी अथॉरिटी है, ये तेरे अधिकार है। मतलब अधिकार देने के बाद जिसको मैंने काम दिया है वो उस काम के लिए जवाबदेह भी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को एक काम दिया, उस काम को पूरा करने के लिए चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को अथॉरिटी भी दे दी। अब काम पूरा होगा या नहीं होगा जनरल मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, किसको, चीफ मैनेजर को। तो अगर चीफ मैनेजर यहाँ तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी देता है तो यहां तक के काम को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंशन फॉर्म है। कैसे, चीफ मैनेजर ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसको दी थी, जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ने भी आगे काम बांट दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने भी आगे काम बांट दिया, तो समझ लो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ, जब से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर ये काम यहां तक आता है तो यहां तक की बात हम बोलते हैं डी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंडर। अगर ये काम अब आगे शुरू हो जाता है, अपने अधिकार और उत्तरदायित्व हम आगे बांटना शुरू कर देते हैं तो समझ लेना कि आपकी फर्म के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल सी बात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंशन फॉर्म है, बड़े वाला रूप है। दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने डिफरेंस क्लियर किया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल, ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, इसके बिना काम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास काम का लोड तो होता ही है, डेफिनेटली वो काम को आगे डिवाइड भी करेगा, किसी ना किसी को तो काम देगा ही, तो ये इनएविटेबल है, हर जगह मिलेगा, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। पर डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह मिले जरूरी नहीं है। दूसरी बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो फ्रीडम होती है वो कम होती है क्योंकि हमारा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, इसके अंदर फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है, और फ्रीडम थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए हमारा जो सबऑर्डिनेट के ऊपर से जो कंट्रोल होता है वो भी या तो खत्म हो जाता है कभी कभी, या वो कम भी हो जाता है, तो इसके अंदर फ्रीडम कम रहेगी, इसके अंदर फ्रीडम ज्यादा रहेगी क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल पूरा रहता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। इसने काम इसको दिया तो चीफ मैनेजर का जनरल मैनेजर के ऊपर फुल कंट्रोल है, पर जैसे ही मान लो जनरल मैनेजर ने आगे भी काम बांट दिया तो हो सकता है कि आगे अभी जनरल मैनेजर के नीचे मान लो 50 बंदे हो, तो कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है और कभी कभी वो कंट्रोल खो भी देता है। तीसरी बात, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे अपने अधिकार नीचे वाले को दे दूंगा,
तो सारे अधिकार नहीं बांटता हूँ, एक दो अधिकार ही नीचे किसी को दूंगा, इसलिए इसमें बोलते हैं लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। बट इसमें इसने मान लो 90% अधिकार इसको बांटे, 10% इसने अधिकार अपने पास रखे, बाकी 80% हो सकता है इन्होंने भी नीचे बांट दिया हो। इसने भी 10% अपने अधिकार अपने पास रखे, बाकी इसने नीचे बांट दिए। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉडर वे के अंदर अथॉरिटीज नीचे बंटनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि इसके अंदर क्या है, मान लो 90% अथॉरिटी मैंने अपने पास रखी, सिर्फ 10% ही अथॉरिटी मैंने किसी को दी, इसलिए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का। आगे चौथा पॉइंट है, इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पस क्या होता है, वर्कलोड को कम करना, जबकि इसका डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, अथॉरिटीज को इंक्रीज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना, अथॉरिटीज को बढ़ाना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बड़े लार्ज स्केल तक लेके जाना, ये डिसेंट्रलाइजेशन का फंडा है। एक्सपेंशन करना अथॉरिटी में, बट इसका जो फंडा होता है काम को कम करना होता है। पांचवा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को काम दिया, पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करो, मान लो चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को काम दिया, अथॉरिटी भी दी, जनरल मैनेजर किसको जवाब देगा, चीफ मैनेजर को ही सीधा जवाब देगा। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होएगा, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जनरल मैनेजर ने मान लो इनको काम दिया, अथॉरिटी दी, तो उसके साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, पर अकाउंटेबिलिटी कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर सीधा इसको जवाब न दे, सीधा हो सकता है इसको जवाब दे दे, या प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको काम सौंपा, डिसेंट्रलाइजेशन में इनको काम दिया, अधिकार दिए, अकाउंटेबिलिटी, ये लोग जवाब हो सकता है कि आप तो इसको ना भी दें, हो सकता है कि ये लोग जवाब सीधा इसको दे दें या सीधा इसको भी जाकर दे दें। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जिसने हमको अथॉरिटी दी है हमको उसी को ही जवाब देना है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये जरूरी नहीं होता है, जिसने मुझे अथॉरिटी दी हो मैं उसी को ही जवाब दूं, मैं किसी को भी जवाब चाहे तो दूं चाहे ना दूं, या और किसी को भी जाके जवाब दे सकता हूं। अगली बात होती है सिक्स्थ, रिस अथॉरिटी ट्रांसफर नॉट परमानेंट। इसके अंदर जब भी हम किसी को काम करने की अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी हम किसी से उसी टाइम वापिस भी ले सकते हैं, कभी भी अथॉरिटी वापिस ली जा सकती है, क्योंकि अथॉरिटी मैंने किसी को परमानेंट ट्रांसफर नहीं की। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप अथॉरिटी परमानेंट ट्रांसफर करते हो, क्योंकि आपने काम बहुत सारे हैं आपके पास, काम बहुत सारे बांट रहे हैं, काम बहुत सारे करने हैं, तो अगर आपने टाइम टाइम पर ही अथॉरिटी वापस ले ली तो परचेज वाला डिपार्टमेंट परचेज नहीं कर पाएगा, सेल वाला डिपार्टमेंट सेल नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमको अथॉरिटी परमानेंट बांट के रखनी होती है। नेक्स्ट बात आती है 2%, इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर सिर्फ दो बंदों के बीच में रिलेशन होता है, सिर्फ 2% के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर चीफ मैनेजर इस तक काम करता है दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फंडा क्या है, दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, लिमिटेड स्कोप होता है इसका। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, इसने इसको काम दिया, इसने इसको काम दिया, उसने आगे काम दिया, पूरा का पूरा काम बट गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बहुत सारी अथॉरिटीज बांट दी, तो इसमें जो स्कोप होता है वो अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे लोगों तक हमारी अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है। आगे बात आती है 8th पॉइंट, रूटीन वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हम देते हैं, जो डेली रूटीन के कामों के लिए देते हैं, इसलिए इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनानी होती है, कोई रणनीति है, कोई नीतियां तैयार नहीं करनी होती। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम बहुत लंबे समय तक चलना होता है, अधिकार देने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, तो इसमें पॉलिसी बनानी पड़ती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, बहुत लार्ज स्केल पर पॉलिसी पहले से ही बन जाती है और बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि बहुत लंबे लेवल पर बहुत बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर रहे होते हो। फिर मल्टीप्लाई बाय टू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपकी सिर्फ मल्टीप्लाई टू होती है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले अथॉरिटी इसके पास थी, इसने काम करने की अथॉरिटी किसको दी, जनरल मैनेजर, बस बात खत्म। यहां तक का काम बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर आगे चली जाती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, आगे आगे जब फैलनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब यहां तक की है तो डेलीगेशन, अगर इसने आगे काम सौंप दिया तो समझ लेना कि वो डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है होती है ना, वो मेनी टाइम्स चली जाती है, काफी गुना ज्यादा आगे चली जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो टॉपिक आपको अभी भी लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, आपको टॉपिक आई एम श्योर 100% समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, लेमैन लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।